इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि राजधानी जयपुर से है। रामगंज से बड़ी खबर, 13 कोरोना पॉजिटिव और मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 34। राजस्थान में कुल 106 मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, तो रामगंज में मिले हैं अब तक 26 कोरोना पॉजिटिव, 13 कोरोना पॉजिटिव और मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर के रामगंज से, और ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये बड़े चौंकाने वाले हैं। एक साथ 13 मामले सामने आए हैं रामगंज इलाके से, तो पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 106 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है अब तक। बड़ी खबर इस वक्त की, तो जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। तो लगातार कि जो आंकड़े आए हैं, एक साथ 13 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि प्रदेश में अब तक कोई भी मामला आज सामने नहीं आया है, लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर में ये जो आंकड़े आए हैं ये बड़े चौंकाने वाले हैं। रामगंज में मिले हैं अब तक 26 कोरोना पॉजिटिव, जयपुर के रामगंज में मिले हैं 13 कोरोना पॉजिटिव, और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है 34 पर। और प्रदेश की बात करें तो यह आंकड़ा 106 पर पहुंच चुका है। चलिए, हमारे संवाददाता लोकेश होला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कोई भी आंकड़े अब तक नहीं आए हैं पॉजिटिव मरीजों के, लेकिन एक साथ 13। जी बिल्कुल, अभी अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें 13 कोरोना के पॉजिटिव और रामगंज बाजार में सामने आए हैं, और रामगंज बाजार में अब तक कुल 26 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। चिकित्सा विभाग के लिए चिंता के जो विषय है वो यहाँ पे सामने एक और खड़ा हो गया है। जिस तरह से प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन इस तरह से अचानक एक ही जगह पर 26 कोरोना के पॉजिटिव मिलना चिंता की बात है। लगातार चिकित्सा विभाग की टीम ने वहाँ पे स्क्रीनिंग करी थी, स्क्रीनिंग के दौरान जो सिम्टम्स पाए गए थे उन्हीं को चिन्हित करके उनको क्वारंटाइन किया गया था, और उसमें जांच के सैंपल लिए गए। जांच सैंपल के बाद में आज जो अभी रिपोर्ट आई उसमें 13 और कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, और कुल मिलाकर अब जयपुर में 34 सबसे बिल्कुल अधिक। बिल्कुल लोकेश, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा गया था कि जब इस तरीके के मामले जब कम्युनिटी में फैल जाएंगे तो बड़ा रुकना, इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कम्युनिटी में ये कोरोना वायरस फैलना स्टार्ट हो जाता है तो रुकना इनकी बहुत इनकी कम होता है। और जिस तरह से रामगंज का उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति इनकी कोरोना संक्रमित मिला था, उसके संपर्क में आने वालों के बाद में अब कुल इनके रामगंज बाजार में ही 26 कोरोना के पॉजिटिव मरीज हो गए हैं, और उसी के साथ अब राजस्थान में कुल 106 कोरोना के पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। हालांकि इसमें 17 कोरोना के पॉजिटिव जो ईरान से लाए गए भारतीय नागरिक है वो भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी बात करें तो राजस्थान में सबसे इनकी अधिक आंकड़े अब तक जयपुर में हो चुके हैं। जयपुर में अब तक कुल 34 कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं वो सामने आ चुके हैं, तो एक चिंता की बात है। राजधानी जयपुर में इस तरह से लगातार इनकी कोरोना के पॉजिटिव बड़ी संख्या में मिलना पूरे इनकी चिकित्सा महकमे के लिए चिंता की बात है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।